दोस्तों हम बोल रहा नमस्कार दोस्तों, इस इंजन में क्या हुआ था, ये तनी घुमाए चलते, चलते बंद हो गया था। और ठाक वाल उठाओ, क्या हुआ था, कंप्रेसर इसका जो होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अब ऐसे घुमाओ वाल काटे काटे घुमाओ, रिस्पांस कंप्रेसर का नहीं आ रहा है। और वो वाल काटे काटे इसकी जो वाल होती है, इसको वाल लीवर जो होता है, इसको हमने गिरा दिया है स्टार्टिंग की पोजीशन में, फिर भी इंजन में कोई भी कंप्रेसर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बहुत नहीं है, ख़त्म है बिल्कुल। इसमें हुआ क्या है, इसकी जो स्प्रिंग है वो, इसकी स्प्रिंग टूट गई है, बाज रही है, निकाल रहे नहीं तो यह तो बढ़िया चल रही है। अब लास्ट तक वीडियो देखें, आपको यूजफुल तो बाज रही है जानकारी मिलेगी। यह देखें, और दोस्तों अगर स्प्रिंग है की सुनो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक गैसकेट जरूर कर दो, चीज ले आओ। पहले तो इसका टैपेट बॉक्स को हम खोलेंगे, क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग बदली जाती है तो बिना टैपेट बॉक्स खोले इसकी स्प्रिंग को नहीं चेंज किया जा सकता है। स्प्रिंग दोस्तों किसी भी इंजन की चेंज करनी हो आपको, तो आपको टैपेट बॉक्स खोलना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पास टामी नहीं है, जो गट्टे आते हैं, तो आप इंजन को खड़ी करके खोल सकते हैं, क्योंकि जो इसके डीजल टैंक के साइड वाले नट होते हैं वो आप ऐसे नहीं खोल सकते हैं, पाना से आप नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब इसकी स्प्रिंग टूट जाती है तो इंजन में कंप्रेसर नहीं रुक पाता है और इंजन बिल्कुल फ्री हो जाता है, जैसे कि इस इंजन में हो रहा था। इसको बिना हेड खोले स्प्रिंग को लगाने के लिए पहले तो आपको जो पिस्टन है टापर लेना होगा, क्योंकि जब तक इसकी वाल टकराएगी नहीं पिस्टन से, तब तक आप इसको इसकी स्प्रिंग को नहीं चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो वाल की जो टॉप होती है, सीट जो होती है, वो पिस्टन पर टकरानी चाहिए, तभी आप इसकी स्प्रिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जब आपको इसकी स्प्रिंग को चेंज करना होगा तो आप एक पाना ले लें और हथौड़ी से किसी चीज़ से ठोकर दे दें, बस इसकी जो स्प्रिंग है वो निकल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्प्रिंग की हालत है एकदम खस्ता हो गई है, सब टूट के बिखर गई है। ये आप देखिए, स्प्रिंग के कितने खंड हुए हैं। स्प्रिंग चेंज करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, बस आप टैपेट को खोल लें, पानी से आप दाबने या कोई दूसरी चीज से डाल कर और इसको आप अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो मुख्य दो खंडों में होती है, तो
ये टैपेट बॉक्स इसको दोबारा से हम फिर उसी तरह से रख के इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों क्या होता है जब ये स्प्रिंग टूट जाती है तो वाल जो है ढीली हो जाती है, जिससे कि वो हेड में नहीं सही से बैठ पाती है और उसमें कंप्रेसर नहीं रुकता है, जिसके वजह से इंजन में कंप्रेसर नहीं रहता है और स्टार्टिंग नहीं होती है। या अगर इंजन चल रहा है और स्प्रिंग टूट गई तो क्योंकि उसका जो एयर है वो नहीं बन पाएगा। Thank you.